एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बढ़िया हैं। स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग एडवेंचर में। जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा कि मैं अभी यहाँ पे ही हूँ, केसकार गांव, वो सिटी है केसकार सिटी और छत्तीसगढ़ में है। और भाई व्यू पॉइंट पे ऐसे पे थे जो भाई ने कल, पवार भाई नाम था उनका, याद नहीं आ रहा। बढ़िया भाई थे, बहुत अच्छे भाई थे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, मुझे वहाँ पे स्टे दिलाया। यहाँ पे इतने खूबसूरत पॉइंट पे स्टे दिलाया, सबसे बड़ी बात तो ये है। बाकी सूरज निकला है तो इसलिए आँखें बंद हो रही हैं थोड़ी। बाकी व्यू देखिए आप, क्या ही खतरनाक व्यू है पीछे। तो ऐसे व्यू के साथ अगर मॉर्निंग हो तो बहुत अच्छी बात है भाई। और यहाँ से अभी नहा धो के निकलेंगे आगे रायपुर के लिए। तो अभी पहले आप ब्लॉग इंजॉय कीजिए, उसके साथ साथ व्यू इंजॉय कीजिए। गाइस कमेंट करना कि आपको इस जर्नी में कितना मज़ा आ रहा है। कि अभी मैं जस्ट रामेश्वरम पूरा करके ऊपर बढ़ रहा हूँ कश्मीर के लिए, तो जर्नी काफ़ी लंबी होने वाली है। कपड़े वगैरह हैं नहीं, तो उस हिसाब से अब कश्मीर के लिए जाएंगे तो उत्तराखंड होते हुए जाएंगे, क्योंकि रूट वही है, रास्ता वही है, उधर से ही आना है। वो तो सभी को पता है, मैं क्यों नया बता रहा हूँ आपको। बट मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे पास कोई भी ऊपर जाने के लिए, कश्मीर या उत्तराखंड या पहाड़ी इलाकों में जाने के लिए कपड़े नहीं हैं, तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा प्रिपेयर और होना पड़ेगा। अभी मुझे जानकारी नहीं है ऊपर के बारे में। नीचे फिर भी ठीक था, थोड़ी गर्मी थी, कहीं सर्दी थी, कहीं और गर्मी थी, कहीं ज़्यादा गर्मी, कहीं ज़्यादा सर्दी, तो ऐसा कुछ था तो वहाँ चल गया। बट ऊपर ज़्यादा वैसा इलाका है तो वहाँ पर प्रिपेयर होके ही जाना पड़ेगा, तैयारी करके ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए अपने ऊपर बढ़ेंगे तो रास्ते में पड़ेगा यूपी पड़ेगा, तो अपना घर है यूपी में, उत्तर प्रदेश मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट। तो उधर से होते हुए थोड़ा सा टाइम लेके, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम लेके प्रिपेयर होके पूरा। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मुझे सामान, जो भी मुझे चीज़ें चाहिए, जो भी चीज़ों की आवश्यकता है, अगर वो मुझे मिल जाती है तो मैं घर पर नहीं जाऊँगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी काफ़ी टाइम हो गया है, आज एक महीना 17 दिन हो गए हैं, 17 बता रहा हूँ, मतलब आज 17 तारीख है, तो उस हिसाब से 17 निकल गया। बाकी एक महीना 7 दिन हो गए हैं अपने जर्नी से निकले हुए, और मुझे लगता है कि ऊपर पहुँचते पहुँचते कश्मीर तक हम लोगों को पूरे 3 महीने लग जाएंगे। तो इसलिए थोड़ी तैयारी ज़रूरी है, क्योंकि जब रास्ते में चलते हैं तो कोई चीज़ या कुछ अनावश्यक या अनुकूलित कोई चीज़ हो तो अच्छा नहीं लगता है। अनिश्चित चीज़ें जो भी होती हैं, जैसे इसे हम लोग विचार नहीं कर सकते उन चीज़ों पे। बाकी ये बर्ड मेरे सिर्फ नेचर की वजह से आ रहे हैं, ऐसे बर्ड मैं कभी यूज़ नहीं करता। अच्छा है, कभी कभी हिंदी को यूज़ करना चाहिए, हिंदी बहुत अच्छी है अपनी। बाकी गाइस बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों से प्यार सपोर्ट इतना मिल रहा है कि मैं आगे जस्ट बढ़ता जा रहा हूँ और ऐसी ही अपनी जर्नी आगे बढ़ाता रहूँगा। बाकी आप बताना मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, और कमेंट करना कि ऐसे व्यू मैं दिखाता हूँ। तो गाइस नहा धो के रेडी कंप्लीट एकदम, बस जूते पहने, जूते वो रखे हैं, गमछा वो सूख रहा है धूप में। बाकी आप लोगों को थोड़ी बधाई देनी है आज, थैंक यू आप सभी लोग, मुझे मतलब थैंक यू आप सभी लोगों का कि आज अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, थैंक यू। और आप ऐसी वीडियो को शेयर करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, प्यार दिखाते रहिए। तो गाइस मैं रुका था इस रूम में, ये एक काफ़ी सारे लोग यहाँ पे रुक सकते हैं ऐसा रूम था। बाकी यार अपना बैग भी फट गया गाइस, ये वाला, कोई नहीं फट जाने दो, 1 मिनट चेन लगा लो। गाइस जिस भाई ने मुझे यहाँ पे स्टे किया था, मैं आपको मिलाने वाला हूँ उससे, वो भाई बहुत अच्छा है, अभी आपको मिलाता है। यहाँ से सामने का व्यू ऐसा दिखता है, दिख रहा है कुछ मुझे तो दिख नहीं रहा, फ़ोन में ब्राइटनेस कम है। मैंने कच्चा और यहाँ पे सूखने डाल दी, धूप में जल्दी सूख जाएगी, हल्की हल्की रह गई है, गमछा भी सूख गया होगा। तो ये भाई थे, इन्होंने मुझे स्टे दिया था, जो आप इनसे कल ही मिल लिए होंगे कल वाले ब्लॉग में। बाकी थैंक यू आपका, बहुत बहुत थैंक यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलते हैं भाई, मुझे नीचे तक ड्रॉप करेंगे तो साथ चलते हैं। वो बोले कि मैं
तो गाइस अभी यहाँ से निकलते हैं टाटा मारी प्लेस से, और भाई से मैं इनका कॉन्टेक्ट नंबर डाल दूंगा। अगर आपको कभी टाटा मारी आना है, बहुत अच्छी प्लेस है, बहुत अच्छी प्लेस है, कभी भी आना हो तो ज़रूर आना। यहाँ पे सर्दी के टाइम बहुत अच्छा व्यू होगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगता है, आप आना जरूर। चलते हैं भाई के साथ नीचे। चलो भाई। तो ठीक है भाई, थैंक यू, मिलेंगे कभी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मैं आपको और बिल्कुल 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 कभी भी नंबर है, बात कर लेंगे कभी भी आना आप। यूपी में कहीं भी हो, यूपी का आला ही बहुत बड़ा है, कहीं भी हो गए कॉन्टेक्ट करने वाले। ठीक है, चलते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू भाई, चलते हैं भाई, भाई को बाय। इधर चलना है हम लोगों को आगे। तो गाइस मॉर्निंग की पहली लिफ्ट। हेलो भैया, कैसे हो आप? आप कहाँ तक जा रहे हो? कांकर। ठीक है, मैं बैठ सकता हूँ? अरे थैंक यू भैया, थैंक यू, बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट है। उठते भैया, आपका नाम क्या है? भैया इस्माइल करते हैं। वाह, आपका नाम के हिसाब से आप इस्माइल कर रहे हो। अरे बहुत, इधर रास्ते बहुत ख़राब है, मैं मोबाइल नहीं है हिला रहा हूँ, ये रास्ते ही ख़राब है। तो आपका बहुत अच्छा नाम है भैया। आप कहाँ के रहने वाले हो? जगदलपुर। वाह वाह, पढ़ते हैं भैया के साथ। कैंकारे, कैंकारे चल रहे हैं, कहाँ पे चल रहे हैं हम लोग? कांकेर। कांकेर, ओके ओके। गाइस अभी मैं भैया ने लिफ्ट दी है मुझे, भैया इस्माइली कश्यप। इस्माइल कश्यप भाई ने लिफ्ट दी। बाकी मुझे ये लगता है इस्माइल भाई कि आज मैं गोरा होके निकलूंगा यहाँ से, क्योंकि रोड जो आज चमक जाऊंगा, आज छत्तीसगढ़ में गोरा होके निकलूंगा आज। सो गाइस मुझे मिले हैं, आपको पता होगा कि भाई ने लिफ्ट दी, थैंक यू भैया आपका। भाई का नाम इस्माइल भाई है, बहुत थैंक यू, और आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। थैंक यू इस्माइल भाई, और बहुत अच्छा लगा भाई से मिलके, और चलते हैं आगे। गाइस आज का वेदर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप लोग देखिए। तो गाइस चलते चलते, और एक भाई पीछे से मेरा बोर्ड बैग के पीछे लगा है, तो उन्होंने वो देख के रोक के, उन्होंने बोला कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा है नहीं, तो उन्होंने कहा मैं छोड़ता हूँ। मैंने कहा चलो भैया, तो उन्होंने यहाँ छोड़ा, अभी मैं चल के आता नॉर्मली, पैदल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उधर सुबह जल्दी लिफ्ट मिल गया था, थोड़ा बहुत चला, एक दूर दो किलोमीटर मुश्किल से मिली लिफ्ट। आगे बढ़ते हैं, हाईवे पर आती है, यही NH हाईवे है। छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं NH हाईवे नहीं लगते, और थोड़े थोड़े काम हो रहे हैं। इधर कांग्रेस सरकार है, BJP सरकार होती तो सड़कें अच्छी होती, बाकी सब कुछ अच्छा है, हर सरकार बढ़िया। वैस अभी मैं जस्ट आगे बढ़ ही रहा था पैदल पैदल, और एक भाई मिले हैं, साहू भाई, और बहुत अच्छे भाई हैं। इधर साहू लोग काफ़ी हैं भाई। हाँ, काफ़ी लोग हैं। तो भाई मुझे लिफ्ट दे रहे हैं, उन्होंने बोला ये रास्ता सही नहीं है, आपको दूसरे रास्ते छोड़ते हैं। मैंने कहा भाई छोड़ो, क्योंकि लिफ्ट लेकर रायपुर निकलना है, और धूप बहुत तेज है, इधर शाम को मौसम अच्छा हो जाता है, और मैं भाई को ज़्यादा ज़्यादा से प्यार देता हूँ, तो कुछ नहीं चाहिए। वैस वो भाई ने मुझे यहाँ पे छोड़ा है, और ये हाईवे ठीक भी लग रहा है उधर से, क्योंकि इधर पब्लिक भी है और वाहन भी निकल रहे हैं, तो उधर से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस मैं आ चुका हूँ मेन हाईवे पे, ये है मेन हाईवे पूरा, इसी पे अभी चलना है सीधा रायपुर। हेलो सर, कहाँ तक जा रहे हैं आप? धनतेरी। ओके, रायपुर से पीछे। तो सर आपका नाम? इधर साउलो काफ़ी है सर, मुझे अभी तक लिफ्ट मिला है तो सबसे ज़्यादा साउथ वालों ने दिया है, इसलिए बार बार मैं पूछ रहा हूँ कि साउथ का क्या रहा है। पीछे भी मुझे मिले थे साउथ भाई, तो उनसे भी मैंने कहा कि इधर साउथ लोग ज़्यादा हैं, कि हाँ इधर सब लोग हेल्पफुल वाले हैं, साउथ ज़्यादा हैं, इसीलिए मैं पूछा आपसे।
चलते हैं आगे। ये सीआरपीएफ की ड्रेस है कि लोकल पुलिस की आपकी? वो वाला ना स्टाफ वाले जो पुलिस वाले रहते हैं ना। हाँ जी पुलिस वाले है ना, तो क्या है जंगल एरिया रहता है ना। फॉरेस्ट ऑफिसर है ये? नहीं नहीं, तो पुलिस वाले हैं। अच्छा, लेकिन जो जंगल रहता है ना जी, वहाँ का वर्दी ऐसे रहते हैं जैसे सीआरपीएफ वाले। हाँ जी, ये फॉरेस्ट ऑफिसर की ऐसी वर्दी रहती है। हाँ उसका भी वैसे रहता है। सो गाइस, मैं अभी हाईवे पे हूँ और लिफ्ट लेके आगे जा रहा हूँ। और भाई ये देखिए धान कितना अच्छा लग रहा है, धान में बाली आ गई है। बाकी अपने धान में पता नहीं कैसे हो रहे होंगे कि धान तो अपने गड़वा के आए थे धान, ये पता नहीं पापा कैसे देख रहे होंगे। भैया भी आ गए घर पे, पहले बाहर थे अब घर पे आ गए, देख रहे होंगे धान बाली अपनी भी आ गई होगी धान में। देखेंगे चल के और सीधा दिखाएंगे आपको खेती अपनी कैसी है, धान कैसा है। पहुँचेंगे तब तक, उम्मीद है कि तब तक पक जाएगा, टाइम लग जाएगा तब तक। बाकी बढ़ते हैं आगे, मुझे प्यास लगी है बहुत तेज, आगे बढ़ते हैं। गाइस गाइस मैं आ गई हूँ पेट्रोल पंप पे और बहुत तेज प्यास लगी थी तो पानी पी रहा हूँ। बाकी यहाँ पे घोंसले बने हैं, शायद ये खरीदे हुए वाले हैं। भाई कितना अच्छा लग रहा है, देखो कलरफुल वाली चिड़िया हैं ये। तो गाइस निकलते हैं यहाँ पे, पानी पी लिया है क्योंकि गणेश चतुर्थी की बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रही है और देखेंगे हम लोग कहाँ पे होंगे उस टाइम, हम लोग भी सेलिब्रेट करेंगे। और थोड़ा चलेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद है थोड़ा निकल लेंगे यहाँ से तो सही है क्योंकि सिटी में उतना सेफ नहीं है। और इधर चलते हैं, मैं अभी हूँ एक हाईवे पे और ये हाईवे जाता है पटना, पर मैं पटना नहीं जा रहा हूँ अभी, आराम से जाऊँगा तसल्ली से, स्टेप बाई स्टेप करूँगा, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, रात में ट्रैवल नहीं करूँगा। कि यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलेंगे दामनखेड़ा या दूसरी जगह है, एक और जगह है मुझे नाम याद नहीं है। चलते हैं, लिफ्ट मांगते हैं, निकलते हैं यहाँ से। भाई से गाड़ी रुकी है, ये गाड़ी है। बस सर मैं आ रहा था। हेलो सर, मेरा नाम अंकित यादव है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ एंड विदाउट मनी, सो लिफ्ट मांग रहा हूँ। आप कहाँ जाएंगे? जी सर मुझे तो दामनखेड़ा। तो गाइस सर ने मुझे खाना ऑफर किया है तो मैं अभी खा रहा हूँ सर के साथ खाना। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो खाते हैं आलू के पराठे। मैं पंजाब का, जब मैं पंजाब जाऊँगा तो सबसे ज़्यादा यही खाऊँगा क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। गाइस वो सर माने नहीं, उन्होंने बोला कि आप राइट में कहाँ जाओगे, खाना खा लो उसके बाद कहीं भी आप सोना उनको। और वो मुझे सिर्फ छोड़ने आए थे, वो अभी वहाँ से 150 किलोमीटर और दूर जाएंगे, मतलब 20 किलोमीटर पीछे उनका एक कट रह गया जो जिधर वो जा रहे थे, वो मेरे लिए यहाँ तक छोड़ने आए थे मुझे। और उनका एक कोई शायद बिजनेस वाला एक पॉइंट भी था, कुछ काम था। दामनखेड़ा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है और एक पेट्रोल पंप है यहाँ, अगर पूछते हैं
और ये होटल्स भी हैं, अगर यहाँ पे परमिशन दे रहे हैं तो सुबह यहाँ से निकल लेंगे। खाना तो हो ही गया है, बाकी दामन खेड़ा में चलते और पानी की बोतल दिलाई सर ने, क्योंकि अपनी पानी की बोतल पीछे एक एक्सीडेंट हुआ था, जगह का नाम मुझे याद नहीं है, एक छोटी सिटी थी, सिटी या कस्बा टाइप का था, वहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हुआ तो मतलब मैंने जल्दी उनकी बाइक आई घटाई, ये बेहोश हो गए थे बुरी तरह, तो फिर मैंने कोई पानी वानी ढूंढ रहा था, मैंने अपनी बोतल निकाल के दे दी, और कुछ नहीं कर सकता था ना इससे। और अभी उनको होश, मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन करवाया था भैया से, दूसरे भैया ने, मैंने बोला था कि करिए जल्दी, क्योंकि मैं करता तो मुझे उनके साथ जाना पड़ता और कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता, तो मैं उनको बोल के पानी की बोतल दे के तब निकल आया। तो पानी की बोतल ज़रूरी थी, इसका लुक अच्छा है, कमज़ोर है थोड़ी, पर मुझे छोटी वाली सही लगती है, क्योंकि छोटी वाली पानी में भी वेट में भी कम होती है, और ये थोड़ा ठीक है जो भी है, बाकी यहाँ परमिशन लेते हैं, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो उठते हैं जग लेंगे रात में, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, को आगे बढ़ाएंगे कल से, पहले टॉयलेट करते हैं यहाँ, टॉयलेट में पेट्रोल पंप की टॉयलेट में। भाई पेट्रोल पंप पे मना कर दिया है कि इधर कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं, वहाँ पे भी एक बार पूछते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। दामन खेड़ा नहीं, हाँ दामन खेड़ा है, मैं बोलने जा रहा था दामन खेड़ा, दामन खेड़ा चलेंगे, लेकिन यहाँ पे भी पूछ लेते हैं, यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है पूछ लेंगे, 12-1 बजे बाद को भी सोने देते हैं 2-3 घंटे, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2-3 घंटे सो लेंगे। गाइस मैंने यहाँ पे परमिशन ले रहा था, बाकी यहाँ पे जैसा मैं अकेला व्यक्ति पूरा चल रहा हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है, जैसा ये गेम बैडमिंटन वाला है पर ये दो लोगों का है, पर यहाँ पे एक ही लोग खेल सकता है ऐसा बना रखा है, क्योंकि जीवन में अकेला भी रहना, अकेला खेलना, अकेला सब कुछ करना अच्छा लगता है, तो अपना खेलते हैं कहीं भी सर, नो प्रॉब्लम है। गाइस 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 मिल गई है जगह स्टे, और हाईवे के बिल्कुल पास, तो बहुत बढ़िया है, सुबह हम लोग जल्दी निकलेंगे, 5 बजे के आसपास निकल लेंगे, तो मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा क्योंकि गाना बज रहा है उधर, कॉपी राइट आ रहा है। ऐसी बात है जो बहुत ही खुशी है, चाहे जिसे दूसरी दुनिया वो मेरे करीब है, इतना कुछ कहना दिल दिए दिल में सवाल कई, तुमने जो रोज कहा है। कॉपीराइट आ जाएगा, दादा नहीं चलाएंगे कॉपीराइट कॉपीराइट। गाइस सर ने बोला था कि आप 11 बजे के बाद तक आ सकते हो, पर सर ने बोला पहले खाना खाओगे, पहले मैं तब दूंगा जब खाना खाओगे, मैंने कहा ओके सर खा लेंगे। तो ये है, मैं अभी टॉयलेट गया था, ये पूरा है रेस्टोरेंट, यहाँ पे बैग रखा है वो, यहाँ खाऊँगा खाना। गाइस अभी यहीं पर लेटा हूँ और खाना पीना कंप्लीट करके, गणेश जी की स्थापना हो गई है, बट वहाँ पे चुन्नी वगैरह लगाई है, कल 18 है ना, तो कल होगा जो कुछ होगा, तो सुबह पूजा करके ही चलेंगे। और यहाँ पे लगाया है टेंट, और ये है रेस्टोरेंट, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, अगर आप कभी भी इस हाईवे पे आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ वाले हाईवे पे, जो कि एक MP के लिए जाएगा, एक जाएगा झारखंड के लिए, एक जाएगा पटना बिहार के लिए, तो यहाँ ज़रूर आना, बहुत अच्छा है। मैं उसका कोई वो नहीं कर रहा, बट वास्तव में यहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छी जगह है। देखते हैं और इस ब्लॉग को ही एंड करते हैं, अगर ये आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड नाइट।